आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट कैसे ओपन होता है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना पड़ेगा हमें कौमी बचत के इदारे में। आप मेरी पूरी वीडियो में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल सेविंग सेंटर का सेविंग अकाउंट के मुताबिक। सेविंग अकाउंट खुलवाना अब लाजमी हो चुका है। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक पॉलिसी आई है नेशनल सेविंग सेंटर्स की, कि उसके मुताबिक जो हम कूपन के थ्रू विड्रॉल करवाते थे अपना प्रॉफिट या हम जो अपना मुनाफा हासिल करते थे, वो अब ख़त्म हो गया। कूपन उसको कहते हैं जो हमारे पास सर्टिफिकेट के पीछे एक चेकबुक लगा के दे देते थे, जिसमें लिमिटेड पेजेस होते थे, हम उसको हमेशा फिलअप करके फाड़ के देते थे और उसके मुताबिक हम उसमें रकम लिखते थे तो हमें प्रॉफिट मिलता था। पहले आपको पता है कि पहले टिकट इशू होते थे, टिकट के बाद इन्होंने कूपन इस तरह के इशू करने लग गए थे। अब कूपन के बाद अब इन्होंने अकाउंट खुलवा दिए हैं। अब हमारे पास सर्टिफिकेट तो वैसे ही के वैसे रहेंगे, लेकिन उसके नीचे जो हमारी चेक बुक्स लगती थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जो हमारा प्रॉफिट होगा, वो जो प्रॉफिट जब जनरेट होने के बाद हमारा अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा पैसे। आज हम इसी वीडियो में बताएंगे कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह हम इसको हासिल करेंगे और किस तरह हमारा अकाउंट खुलेगा। ये मैं सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल सेविंग के मौजूद सरमायाकार मुतवज्जा हों, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आया हुआ था, अखबार में भी आया हुआ था। इसमें जो मेन चीज़ है उसमें बिल्कुल लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 31 अगस्त 2022 तक अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें, इस तारीख के बाद कूपन के ज़रिए मुनाफा वसूल नहीं किया जा सकता। अब मैं इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक आपसे बात करूंगा। ये 25 मई 2022 को नोटिफिकेशन आया था, ये आप इनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब हम इसको आपको अकाउंट खुलवाने के तरीक़ेकार के मुताबिक बताएंगे। हम सबसे पहले नेशनल सेविंग सेंटर में जाएंगे। नेशनल सेविंग सेंटर का बहुत आसान तरीक़ेकार है, जिस तरह आपकी ब्रांचेज होती हैं आपको वही कंसर्न ब्रांच में जाना होगा। इसमें तरीक़ेकार ये है कि आपको अपनी चेक बुक्स, जो कूपन हम कहते हैं, वो कूपन और सर्टिफिकेट को लेकर जाना होगा। उसके साथ आपको अपना NIC लेके जाना पड़ेगा, NIC की ओरिजिनल आपको कॉपी लेके जाना पड़ेगी। ऐसे KYC सबसे पहले देखना है, आपने KYC सबमिशन ज़रूरी है। KYC के बाद आपका नो योर क्लाइंट के बाद आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा। सेविंग अकाउंट ओपन का तरीक़ेकार क्या है, बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है। मैं आपको मेन पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा। आपको कंप्यूटराइज CNIC जो नादा से इशू हो चुका है आपको वो लेके जाना होगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको NACOP लेके जाना पड़ेगा, या अगर आप फॉरनर हैं या आपने नेशनलिटी पाकिस्तान की छोड़ दी है तो POC कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और अगर माइनर आपने अकाउंट खुलवाना है तो बच्चों का FRC के साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट और CRC, हम इसको कहते हैं चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो बे फॉर्म की जगह भी यूज़ होता है, तो हमने वो लेकर जाना होगा। और इसमें आपको मैं मेन चीज़ ये बताऊंगा कि इसमें ज़कात इम्प्लीमेंट होती है। ज़कात को आपको ख़त्म करवाने के लिए वो ज़कात का सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, जो स्टैम्प पेपर पे आता है, और इसी में फाइलर और नॉन फाइलर के भी रेट हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एडवांटेज एक सबसे बड़ा ये आ जाएगा, अगर हम अपना प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं अपने अकाउंट से, तो इस अकाउंट ये अपना सेविंग अकाउंट के ऊपर भी मुनाफा में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो सेविंग अकाउंट के ऊपर भी जो हमारे पैसे पड़े रहेंगे, मिसाल के तौर पे 2 महीने का हमारा मुनाफा पड़ा रहेगा, उसमें भी हमें 12% उसके ऊपर और मज़ीद मुनाफा मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमारा 2 लाख रुपये, हमारा हमने हमारा जो अमाउंट आता है उसमें 2 लाख रुपये हमारे जमा हो गए 2 महीने में। अब 2 महीने में 1 महीने के ऊपर 12% मिलेगा, दूसरे महीने पे भी 12% मिलेगा, मतलब कि आपको 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसके ऊपर। और ज़कात इम्प्लीमेंट है, ज़कात को अगर आप ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आपको स्टैम्प पेपर जमा करवाना पड़ेगा। ज़कात डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, इसका तरीक़ेकार भी मेरी वीडियोज़ के अंदर रखा हुआ है। फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंस रहेगा इसमें, आप जो फाइलर हज़ार आते हैं वो 15% है और नॉन फाइलर हज़ार 30% है। फाइलर बनने का तरीका, अगर आप आसान तरीका देखना चाहते हैं तो अपने सबसे पहले तो अपने आप कंसर्न लॉयर से आप रब्ता करें,
अगर वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। बस सूरत दिगर आप हमारी वीडियोस के तहत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आप फाइलर बनेंगे, किस तरह आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस आ रहा है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, जो मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉफिट बता रहा था वो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इस तरफ भी आपको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनका रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट जो है 4.5 को 8.25% के ऊपर रखा हुआ है इन्होंने। तो इसमें और भी बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलते रहेंगे इस अकाउंट से। अच्छा, आप विड्रॉ करवा सकते हैं बिल्कुल, ये जैसे एक कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जितने पैसे चाहे विड्रॉ करवा लें। लेकिन देखें, सर्टिफिकेट आपके वैसे ही एग्जैक्ट रहेंगे, सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो इसमें चले जाया करेगा। ये सर्टिफिकेट को विड्रॉ करवाने का तरीकेकार नहीं है, सिर्फ अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगी सिर्फ वो है। अच्छा, इस अकाउंट के अंदर ये जो मिनिमम बैलेंस आपको खुलवाना पड़ेगा 100 रुपये से खुलवाना पड़ेगा, मैक्सिमम इसमें कोई हद नहीं है। ये आप इसको यूजली तौर पे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को बनवाने का नेशनल सेविंग वालों का जो मेन टारगेट है, आपको एटीएम कार्ड भी देना है, बाद में एप्लीकेशंस वगैरह आएंगी तो इसमें एक और चीज़ बता दूँ, जो आपके पैसे हैं जो सर्टिफिकेट हैं वो उस अमाउंट इसके अंदर शो नहीं होगी, इसके अंदर वो आपकी अमाउंट शो नहीं होगी। सिर्फ आपका जो क्रेडिट हो करेगा मुनाफा, सिर्फ आपको वही दिखाई देगा। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार कैसा है, लेकिन जो आपको मेन मेन में चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी सिटीज़न होना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है तो POC कार्ड होना पड़ेगा आपका। आपको 100 रुपये अकाउंट का हद होती है, उससे आपको खुलवाना पड़ेगा। और आपको अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको ओरिजिन नेशनल सेविंग सेंटर का ओरिजिन CNIC लेके जाना पड़ेगा नादरा का, और ओवरसीज़ के लिए वो, और माइनर के लिए आपको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसके फॉर्म के साथ आपको वीडियो बनाऊंगा, ताकि 31 अगस्त से पहले पहले अगर आप घर से चाहें तो फॉर्म भर के लेके जाना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वहीं घर से आप भर के ले जाएं और वहाँ पर आप ओपन करवा लें अकाउंट। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।